हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, अभी मैं साइड पे आया हूँ। अभी सुबह के 6:20 हो रहे हैं। मौसम ज़्यादा ख़राब था इसलिए जल्दी आना पड़ा, क्योंकि दो दिन से डीजल नहीं मिला था पंप पे और काम हो गया था ज़्यादा। तो सारा काम पड़ा है और मौसम देखो कैसा हो रहा है। मतलब ऐसा लग रहा कि जैसे अभी बारिश आ जाएगी, तो मैंने सोचा इसलिए जल्दी जल्दी निपटा दें। तो यार इस बेड को कम्प्लीट करना है। तो ये वाला बेड है सारा, यहाँ से लेके वहाँ तक, ठीक है ना। अभी देखो सुबह सुबह इतनी सुबह है कि बच्चे इधर आए हैं, ठीक है ना, जॉगिंग करने। और इस साइड भी बेड है, देखो ये डंपिंग पड़ी है थोड़ी, ये और आगे भी है। सारा काम ख़त्म करना है, आगे तक है। तो जल्दी जल्दी मैं ख़त्म कर लेता हूँ दोस्तों, फिर आपको बीच बीच में मैं दिखाता रहूँगा, बताता रहूँगा। ओके, खराब होता जा रहा है, देखो कैसा लगा गाना दोस्तों बताना, ठीक है ना। और मैं आगे आपको दिखाता रहूंगा, बारिश आने वाली तेज, मैं जल्दी जल्दी कर दूंगा काम, काफी रह गया है। ओके ब्रो। दोस्तों देखो, बारिश तेज पड़ने लग गई है। पहले थोड़ी हल्की पड़ रही थी, मैं भीग गया हूँ साइड से, चप्पल ये पजामा मेरा भीगा पड़ा। थोड़ी रुक जाए तो यार ये बेड पूरा हो जाएगा, इन साले में इसमें पानी भर जाएगा, दिक्कत हो जाएगी फिर। लेकिन किसानों के लिए बहुत बेनिफिट है, क्योंकि धान लगने वाले हैं तो पानी चाहिए, पानी की पूर्ति नहीं हो पा रही। आगे एक ट्रैक्टर भी चल रहा है, वो देखो तेज होगी तेज। दोस्तों देखो यार, कीचड़ ही कीचड़ हो गया सारा, इसमें ग्रेडर तो चल नहीं पाएगा, यहाँ तक पानी आ रहा है यार। इसमें केबिन बंद मशीन नहीं तो बंदा काम नहीं कर ले। अरे धर्मू भाई भी भीग गए। मैं भीग गए पूरे। अच्छा बढ़िया। दोस्तों ये मोटर इन्हीं की है, और जो फ्रिज हमारे कमरे में है वो भी इन्होंने दिया हुआ है। मतलब बहुत अच्छे बंदे हैं यार ये। हाँ कोई नहीं कोई नहीं, आराम से करो। मैं कह रहा था कि बंदा दुनिया में ना कुछ भी कर सकता है, ठीक है ना, अपनी सिर्फ जुबान के बदौलत। तो जुबान जो है ना, ये आपको बिठा भी सकती है और ये आपको ताज पे भी बिठा सकती है, ठीक है। परदेश में दोस्तों आए हुए बंदे को कोई पानी ना पूछे, अगले बंदे ने मुझे फ्रिज दे रखा है। दोस्तों किसकी बदौलत? सिर्फ जुबान की बदौलत। अगर दोस्तों हम अच्छे हैं तो सब अच्छे हैं, अगर हम नहीं अच्छे ना तो कोई भी नहीं अच्छा, ठीक है ना। मैंने बोला कोई फ्रिज दिलवा दो, तो बोल रहे जरा जरूरत है कहीं, मतलब मिल नहीं पा रहा था, तो बोल रहे कि चल कोई बात नहीं तो ये ले जाए यार। मेरा झूठ हुआ करेगी, तो बोला हम तेरे से पानी ले लिया करेंगे। बोला कोई बात नहीं तू ले जा, तो अपना काम चला। मेरा कहने का मतलब यही था कि मतलब जुबान से ना कुछ भी कर सकता है। दोस्तों मैं जा रहा हूँ कमरे पे, फिर वहाँ चल के आपको दिखाता हूँ थोड़ी बहुत रंगीनी। हेल्पर वगैरह क्या कर रहे हैं, हमारे ब्रांडेड हेल्पर हैं, ठीक है ना। इधर अपना दूसरा वाला ग्रेटर खड़ा है, ये कमरा है अपना, कमरे के पीछे काम चल रहा था, बोलर खड़ा है। की कार्रवाई करने? रोटी बनाई? क्या बनाया? रोटी डलगोना कॉफी, ठीक है ना। ये कॉफी मैंने बनाई है तरीके से, आपको ये रेसिपी देख सीखनी है तो बता देना, ठीक है ना, मैं वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर। बहुत आसान है ये डलगोना कॉफी बनानी, और ये दूसरी कॉफी से बहुत ही बढ़िया लगती है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसी कॉफी है। देखो मजा ही अलग है इस कॉफी पीने का। देखा दोस्तों, मैंने बोला था ना हमारे चेले देखो ब्रांडेड है, ऐसी वाली कॉफी पीते हैं। ये है जी साडा अमरीक सिंह चौधरी पिंड मक्का आनंदपुर साहब। मजा आ गया। कैसी लगी? अच्छी है, बस अच्छी है, बढ़िया है। तो दोस्तों अब मैं आ गया हूँ साइड पे, ठीक है ना। दोबारा बारिश रुक चुकी है, मौसम हो गया बढ़िया। मेरे साथ हैं ध्यानपाल जी, ये हमारी कंपनी में रोलर चलाते हैं। जो अनिल भाई हैं आप जानते हो, अनिल जो जेसीबी चलाते हैं, ठीक है ना, उनके बड़े भाई हैं। हेलो कर दो हमारे सारे दोस्तों को। हेलो भाई। हाँ, और बहुत ही अच्छे इंसान हैं, इनके साथ बैठ के बहुत मज़ा आता है और बहुत ज्ञान की बातें मिलती हैं, ठीक है ना। बहुत कुछ एक्सपीरियंस अपने ज़िंदगी का शेयर करते हैं मेरे साथ, और मतलब बहुत अच्छा लगता है, ठीक है ना, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। क्योंकि दोस्तों ये वाला बैड में बिल्डिंग कर रहे
देखो आप देख रहे होंगे वो जो पहले कर रहा था वो आगे वाला बैड है, वो वहाँ पे आगे, ठीक है ना, ये वाला बैड ग्रेडिंग करता हूँ, फिर आपसे बातचीत करेंगे। ठीक है दोस्तों, आप देखो कैसी धूप निकल रही है, वो पीछे वाला बैड मैंने कर दिया है और ये वाला कर रहा था, ये हो चुका है, इस साइड से रह रहा है, थोड़ा हो जाएगा। धूप निकल गई है बहुत तेज और टाइम हो रहा है 12 बज गए हैं इस टाइम, ठीक है ना। तो चलो ये मैं करता हूँ, फिर चलो आगे भी आपको कार्रवाई दिखाऊंगा थोड़ी। तो दोस्तों अभी काम मैंने ख़त्म कर दिया है, ठीक है ना, थोड़ा काम बचा है, अनिल भाई तोड़ रहे हैं डंपिंग, ठीक है। तो मैं थोड़ी देर रुक के अभी जाऊँगा खाना वाना खा के, 1 बजने वाला है। तो फिलहाल मैं अभी जा रहा हूँ कमरे पे, तो फिर दिखाता हूँ आपको कोई और काम करेंगे तो। ओके ब्रदर, नीचे कर, नीचे से कर। ये दोस्तों अपना कंपनी का है, सोनू भाई रोलर ऑपरेटर, 4 महीने बाद आया भाई, इसके लड़का हो गया था, अच्छा। नहीं इसकी घरवाली के, और पुराना बंदा है कंपनी का। वोल्वो जो रोलर है वो यही चलाता है, ठीक है। 3 साल हो गए, 3 साल है ना पुराना रोलर, ना हो गए 6 साल। अभी झूठ बोल रहा है, कैमरे के सामने आता नहीं, देखो ऐसे बंदे हैं कैमरे से शर्माते हैं। चदोसी जो पड़ता है मुरादाबाद के पास, संपल के पास, वहां से है भाई अपना। बस भाई ठीक है भाई, फिर मिलते हैं खाना वाना खा के। दोस्तों अभी किसी का पर्सनल काम करने के लिए जा रहे हैं, साथ में सोनू भाई, दिखाते हैं आपको भी। तो एक किसी का काम करने जा रहे हैं पर्सनल, देखते हैं बंदा कहाँ पे मिलता है। अरे बैठे थे, बता दू जी दिन हो गिड़ा, ऊपर चढ़ा दू तो बघार लान आया, बघार जो पंजाबी होंगे वो समझ जाएंगे और जो नहीं होंगे भाई वो कमेंट में पूछ लेना, ठीक है।
दोस्तों सारा खेत बराबर हो चुका है, ठीक है ना। ये देखो इधर सारा खेत बराबर हो गया, ये वाला और उधर वाला सारा, ठीक है ना। काफ़ी बड़ा खेत था, यानी कि 4-5 एकड़ खेत था, ये बराबर कर दिया है। बाकी आगे आज कुछ ज़्यादा व्लॉग में तो था नहीं, ठीक है ना। व्लॉग को भी दोस्तों प्यार देते रहो, जैसे और वीडियोज़ को प्यार देते हो, क्योंकि दोस्तों कभी और इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो नहीं होती तो मैं व्लॉग बना देता हूँ, ठीक है ना। दिन में जो जो किया, कहाँ कहाँ गया मैं, इससे क्या आप लोग टच में रहते हो मेरे, ठीक है ना। टच अपना ख़त्म नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसे ही प्यार बनाए रखना दोस्तों। और ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, फॉलो कर लो। और फिर मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।